फाइनली बुरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 5 का एक बढ़िया लीक हमारे सामने आया बस 2 घंटे पहले। इसको हम लोग लीक नहीं बोल सकते, इट्स मोर लाइक सेल्फ लीक, बिकॉज़ ये पर नारुतो के ऑफिशियल वेबसाइट से हमारे सामने चैप्टर 5 का स्नीक पीक दिया गया, जहां पर हम लोग देख सकते हैं बुरुटो एंड सास्के को एक ही साथ। मेरे को पता है बोथ सास्के एंड बुरुटो फैंस आर हैप्पी राइट नाउ ये देखने के बाद, बट ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है उतना ही ज्यादा सैड है। बस यहाँ से हम लोग को फाइनली पता चल रहा है कि हम लोग देखने वाले हैं कुछ इमोशनल सैड फ्लैशबैक्स वाले चैप्टर के अंदर, जहां पर सास्के बुरुटो के बहुत सारे मोमेंट्स होंगे। एंड मोस्ट ऑफ ये फ्लैशबैक वहां से शुरू हो सकता है जहां पर बुरुटो लीव विलेज छोड़ के चला गया था एंड सास्के के साथ अलग से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि स्नेक पिक अभी बस 1 घंटे पहले हमारे सामने है, ऑलरेडी ट्विटर पे इसके बारे में बातचीत करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यहां पर फाइनली हम लोग देख सकते हैं बुरुटो इज स्माइलिंग, एंड यहां पर मेरे को पता है एक मेन कैरेक्टर के स्माइल करना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बट जिन लोगों ने बुरुटो मांगा रीड करके रखा है उन लोगों को पता है कि भाई ये कितना ज्यादा यू नो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है फॉर अस मांगा रीडर्स। यहां पर लोगों के ट्वीट्स देखने के बाद हम लोगों को पता चल रहा है कि ये मोमेंट एक्चुअली में कैसा है। यहाँ पर ये पैनल देखने के बाद हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि बुरुटो एक्चुअली लुक्ड हैप्पी बिफोर द ट्रेजिक इवेंट, वो खुश था सास्के के साथ। इवन दो हम लोगों को पता है बुरुटो वेंट थ्रू सो वेरी टेरी मच मोर टाइम स्किप से, पहले नारुतो को खो दिया, हिनाटा को खो दिया, हिमावारी को खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, पूरे गांव को खो दिया भाई, बट भाई ये स्माइल, ये पैनल और बुरुटो का लॉन्ग हेयर देखने के बाद एक अलग फील आ रही है। इट्स मोर लाइक मैं नारुतो को देख रहा, मेरे को पता है बुरुटो यू नो वांटेड टू बी लाइक सास्के, बट इट्स मोर लाइक कि मैं नारुतो का जो पास्ट सेल्फ है थोड़ा बहुत यंगर वर्जन देख रहा हूँ लॉन्ग हेयर के साथ, और इसके स्माइल के अंदर हम लोग वो दर्द थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और ये देख के हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ चलो सब लोगों को खो दिया, बट स्टिल ही हैज होप्स बिकॉज उसके पास सास्के उसका मास्टर है। बट यहाँ पर न्यू चैप्टर की एंडिंग देखने के बाद ये जो फ्लैशबैक है ये बहुत ज्यादा हेट करता है यार। और यहाँ पर किशिमोटो ने एक बहुत ही बढ़िया पैरेलल बनाया जो मेरे को सच्ची में अच्छा लगा। शुरू में हम लोगों ने देखा बुरुटो और सास्के एक साथ थे, वो दोनों ट्रेन कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा रिसेंट लीक्स स्नीक पीक से बुरुटो एंड सास्के एक साथ थे, एंड लेटेस्ट चैप्टर की एंडिंग अगेन बुरुटो एंड सास्के एक साथ है, बट दिस टाइम बुरुटो इज नॉट स्माइलिंग बट स्टिल देयर टुगेदर, बट इट्स यू नो काइंड ऑफ सैड। अब यहाँ पर जो पैनल देख रहा हूँ इसका जो ट्रांसलेशन है ये बहुत ज्यादा रफ है, बट यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है बुरुटो ने कुछ नया टेक्निक शायद सीखा जो सास्के को बता रहा है, और इसके साथ साथ शायद बोल रहा है कि सास्के बस उसके लिए एक मास्टर नहीं था। और यहाँ पर बुरुटो बहुत ही ज्यादा कैजुअली स्माइल के साथ बोल रहा है कि नाउ ही इज ऑल अलोन। आई कैन स्मेल किशिमोटो कुछ कुक कर रहा है इस फ्लैशबैक के साथ हम लोगों को इमोशनल करने के लिए। यहाँ पर तो रिसेंट चैप्टर से हम लोगों को पता चलता है कि बुरुटो के पास बेसिकली सास्के का सोर्ड है, बट यहाँ पर ये पैनल देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि बुरुटो के पास एक अपना कटाना अपना सोर्ड था प्लस उसका एक खुद का क्लॉक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि बुरुटो सास्के का सोर्ड यहाँ पर यूज नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि बुरुटो एक्चुअल में सोर्ड क्यों यूज कर रहा है भाई, उसको कटाना की क्या जरूरत है। देखो इसके पीछे 2 डिफरेंट रीजन हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है कि वो कुछ नया टेक्निक सीख रहा है जिसको उसके इस सोर्ड या फिर कटाना की जरूरत है, एंड सेकंड रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि ब्रूटो एक्चुअली में सास्के के जैसा दिखना चाहते हैं, इसलिए उसका जो स्टाइल है वो अडॉप्ट कर रहा है, उन्होंने अपने मास्टर जैसा बनना जो उसका खुद का इंस्पिरेशन है, ये मोस्ट लाइकली पॉसिबल है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ब्रूटो ने कुछ एक्चुअली में बढ़िया सीख लिया जो सीखने के बाद सास्के ने एज अ रिवॉर्ड ये कोट एंड ये सोर्ड उसको गिफ्ट दिया, पॉसिबिलिटीज है। मगर हम लोग स्नीक पीक से पता चल रहा है चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट फ्लैशबैक, क्यों ना यार ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने फाइट बहुत ज्यादा देख ली, एंड यहां पर एक ऐसे मोमेंट पे हम लोग आके रुक गए जहां पर फ्लैशबैक दिखाना ही चाहिए इन लोगों को। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर ही देखने वाले कि सास्के एक्चुअल में एक ट्री में कैसे कन्वर्ट होगा, बिकॉज बुरुटो मंथली मांगा है 2-3-4 चैप्टर बैक स्टोरी कवर करने में लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। किशिमोटो सेंसेई शायद एक चैप्टर के अंदर सबको सेटल करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रेडिक्शन करने के लिए बोलोगे तो मेरे को लगता है सास्के बुरुटो दोनों साथ थे और वहां पर शायद कोड ने हमला कर दिया एंड क्लॉक ग्राइम आके बुरुटो को संभव अटैक कर दिया एंड सास्के उसको बचाने के चक्कर में खुद ट्री में कन्वर्ट होगा। जस्ट लाइक हम लोगों ने 2 महीने पहले देखा सारादा को बचाने के लिए एक बंदा ट्री में कन्वर्ट होगा कोनोहा में, तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो यार सास्के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि क्लॉक ग्राइम उसको अटैक कर देगा और वो ट्री में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोस्ट लाइकली ऐसा ही हो सकता है जो क्लॉक ग्राइम से दे कॉट बुरुटो ऑफ गार्ड एंड उसको अटैक किया एंड सास्के वाज देयर जो बुरुटो को बचाते बचाते खुद ट्री में कन्वर्ट हो गया, एंड तब ऐसा हो सकता है बीच में काशिन कोजी आके बुरुटो को बचा के लेकर चला गया, एंड दैट्स द रीजन शायद प्रीवियस चैप्टर में कोड ने बोला कि तू मेरे से भाग के चला गया था 2 साल पहले, पॉसिबिलिटीज है भाई, एंड फॉर दैट रीजन बुरुटो सारादा के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, ये सेंस बना रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को पता है बुरुटो ट्रूली केयर्स फॉर सास्के, जब मोमोशिकी ने सास्के रिनेगन डिस्ट्रॉय कर दिया था तब बुरुटो ने अपने आप को बहुत टाइम तक ब्लेम किया, और अभी मोस्ट प्रोबेबली सास्के बुरुटो को बचाने के चक्कर में ट्री में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस शोज हाउ मच बुरुटो केयर्ड फॉर सास्के एंड द डेप्थ ऑफ हिज गिल्ट। भाई ही मस्ट ऑलरेडी बी फीलिंग पेन कि वो सारादा को ये बात कैसे बताएगा। बाकी तो ये जस्ट मेरा प्रेडिक्शन है, हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा फ्रीडम है भाई। बाकी चैप्टर आने के बाद हम लोग देखेंगे ये बढ़िया मोमेंट बुरुटो का स्माइल कैसे सफ
सफरिंग पेन में एकदम से बदल गया। और यहाँ पर एक और मैं छोटी सी टॉपिक मेंशन करना चाहूंगा जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता है सास्के ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, राइट, एंड बोरुटो उसका क्योर ढूंढ रहा है। यहाँ पर ना फॉर सम रीजन मेरे को लग रहा है कि एक टाइम लिमिट है जब तक वो सास्के को बचा पाएंगे। बिकॉज अगर अनलिमिटेड टाइम मिल जाए तो यार बोरुटो चिल करता रहेगा वहां पर, काशिन कोजी चिल करता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार अपने पास तो टाइम है, लेते रहे। तो मेरे को ना इस साइड से लगता है जितने लोग ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं इंक्लूडिंग सास्के, उनको बचाने के लिए हमारे पास एक टाइम लिमिट है कि उस टाइम के अंदर हम लोग को बचाना पड़ेगा। उस टाइम के हम लोग जितने करीब आते हुए जाएंगे ना उनकी जो बॉडीज है ट्री में उनमें धीरे धीरे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर दे विल स्लोली फेड अवे। तो पर मेरे को लगता है कि ऐसा होने का चांसेस है, मेरे को लग रहा है कि मैं अकेली हूं जो ऐसा सोच रहा है, बट ऐसा होने का चांसेस नहीं। तो यार उन लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम होगा तो वो लोग आराम से करेंगे, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला। एक टाइम लिमिट हो सकता है जिसके अंदर उन लोगों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो दे विल फेड अवे और उनके बॉडी में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फॉर दैट रीजन मेरे को लगता है कि बोरुटो इतना ज्यादा डिस्परेट अभी फिलहाल है। कोनोहा में चला गया, फिर टेलीपोर्ट करके टेंटेल्स को ढूंढने के लिए एकदम से चला गया। और काशिन भोजी क्या बोल रहा था, इतनी जल्दबाजी करके क्या पूरा प्लैनेट उड़ा दोगे तुम, थोड़ा ठंडे हो जाओ, हम फाइट करेंगे। बाकी जो टाइम लिमिट है ना इसके ऊपर तुम लोग ना अपना ओपिनियन थोड़ा दे सकते हो, मैं कमेंट रीड करूंगा कि तुमको क्या लगता है। प्लस यहाँ पर तुम लोग कमेंट पे अपना थ्योरी या फिर आइडिया शेयर कर सकते हो कि बोरुटो सास्के मोमेंट यहाँ से यहाँ पर कैसे आ गया, तुमको क्या लगता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब के पीछे क्या कोड अकेले है या फिर वहां पर मोमोशिकी या फिर अमांडो का भी कुछ कनेक्शन है। बाकी तो मैं चाहता हूँ अपना दिमाग लगा के तुम कुछ कमेंट करो, बिकॉज न्यू चैप्टर्स के स्पॉइलर आने के बाद मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा कि किसका प्रेडिक्शन सच होता है। चलो बाकी कल या परसों के अंदर बोरुटो के फुल स्पॉइलर्स के ऊपर वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो को मिस नहीं करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। यूट्यूब वाले कभी कभार नोटिफिकेशन देते नहीं, वीडियो यहां तक देख रहे हो तो हल्के दबाओ लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।